गाइस नेशनल स्कॉलरशिप के लिए 5 अपडेट आ गया गाइस। आपको बता दे क्या क्या अपडेट है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। इसमें आपको नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो मिलेगा। आपको बता दे रिन्यूअल वाले का पैसा बहुत ही जल्द आने वाला है। तो एक स्टूडेंट ने जब हेल्प प्रोडक्ट को मेल किया तो उसने जवाब दिया है कि 31 मई तक रिन्यूअल वाले का पैसा देने का पूरा ही चांस है। इसके बाद फ्रेश वाला को दिया जाएगा क्योंकि रिन्यूअल वाला सीनियर है, सीनियर को पहले दिया जाएगा, इसके बाद छोटे को दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट यह है गाइस, अगर आपका बैंक अकाउंट गलती है, NSP पर आप जो बैंक अकाउंट दिए हैं वो गलती हो चुका है, तो आपको बहुत ही जल्द बैंक अपडेट का ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ने ईमेल पर जवाब दिया कि अगर आपको 7 दिन के अंदर यानी 7 दिन के अंदर ईमेल इसको मिनिस्ट्री को अगर ईमेल करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपको बैंक अपडेट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, यानी 20-25 दिन आपको वेट करना होगा, इसके बाद आपको बैंक अपडेट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट के बारे में बात करें, तीसरा अपडेट के बारे में बात करें कि मेरिट लिस्ट अगर आपका नो है तो आप 31 मई से पहले आपका मेरिट लिस्ट यस होने का पूरा ही चांस है। क्योंकि जब हेल्प डेस्क को मेल किया तो उसने बताया कि 31 मई तक मेरिट लिस्ट में यस होने का बहुत ही चांस है, हो सकता है इस बार 31 मई से पहले आपका यस हो जाए। इसके बारे में बात करें तो इधर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में स्टेटस चेंज हो चुका है, जिसका भी वेरीफाई नोडल ऑफिसर किया था, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर किया था, उसका सेंड टू पेमेंट होने हो गया है। बहुत का हमने आपको दिखा दिए, बहुत सारा PFMS सेंड टू PFMS हो गया। इसके बाद टोकन नंबर जारी किया जाएगा, टोकन नंबर जारी करने के बाद आपका पेमेंट मिल जाएगा। और पांचवा अपडेट का बात करें तो अगर आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अकाउंट पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप उसको कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में इस चैनल पर वीडियो मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है।